हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी वी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने यूनिट 4 को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टाफिंग। इन माय प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करी थी और उससे पहले हम लोगों ने प्लानिंग की बात करी थी। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। सो स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग वाली स्टेप में हम लोगों ने सिर्फ अभी जॉब पोजिशंस क्रिएट करी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया था कि हम लोगों को कितने लोगों की, मतलब बेसिकली किन किन जॉब पोजिशंस की जरूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अब हमारे जो स्टाफिंग वाला फंक्शन है वो इस बात पे फोकस करने वाला है कि आप उस वेकेंट जॉब पोजिशन को कैसे राइट पर्सन से फिल करते हो। सो स्टाफिंग बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब एंड एट राइट टाइम ऑल्सो। आप सही टाइम पर, सही जॉब पर अगर सही इंसान को आप रख देते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। अब स्टाफिंग, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, स्टाफिंग एक प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है जहां पर प्रोसेस होता है वहां पर उसकी स्टेप्स भी होती हैं। तो आइए हम लोग जल्दी से स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ लेते हैं। यहां पर स्टाफिंग के प्रोसेस में हमारे पास 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली कितने लोगों की ज़रूरत है ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ एनालिसिस करने पड़ते हैं, जिसका पहला नाम है वर्क फोर्स एनालिसिस, दूसरा नाम है वर्क लोड एनालिसिस, तीसरा हमें उनका कंपेरिजन करना चाहिए। पहला वर्क लोड एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस का मतलब कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली है कितना काम, क्योंकि जितना काम है उस हिसाब से हम लोग मैन पावर लेकर आएंगे। तो बेसिकली मुझे पहले ही देखना पड़ेगा कि काम कितना करना है मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कितना काम ओवरऑल मुझे ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाऊँ। तो काम कितना है इज वर्क लोड एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस मतलब ऑलरेडी आपके पास कितने लोग अवेलेबल हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि ऑर्गेनाइजेशन में एकदम खाली ऑर्गेनाइजेशन है अभी अभी, मतलब न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होती है उसमें भी कुछ लोग इनिशियली तो होते ही हैं। तो हमें एक्चुअली ये निकालना है कि अगर मुझे काम करने के लिए, मेरा काम जो है वो इतना है कि मुझे काम करने के लिए 100 लोगों की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी सारे काम है सारे काम मिलाकर मुझे 100 लोगों से करवाना है। 100 क्या हो गया मेरा वर्क लोड एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस मतलब कितने लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे पास। तो 20 लोग अगर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो मुझे अब कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है दोनों को माइनस करेंगे। 100 माइनस 20 इज 80, मतलब मुझे अभी 80 लोगों की और जरूरत है। तो मेरी पहली स्टेप की एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, मुझे पता चल गया कि मुझे 80 लोगों की जरूरत है। नेक्स्ट, अब उन 80 लोगों को लाने के लिए मैं करूंगी रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, इनवाइटिंग वेरियस पीपल टू कम एंड अप्लाई इन माय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन। आप जैसे न्यूज़पेपर में ऐड देखते होंगे कि किसी स्कूल में वैकेंसी है टीचर के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्समैन की जरूरत है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस मैनेजर की जरूरत है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीए की जरूरत है, ऐसी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकलती हैं। तो जो जॉब वैकेंसीज न्यूज़पेपर में आप देखते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब आप ये चीज़ देख रहे हैं तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप अप्लाई करेंगे। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिक्रूटमेंट का, कि आप हर कोने से अच्छे अच्छे लोगों को लाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनका सिलेक्शन करें, मतलब उनमें से आप बेस्ट सिलेक्ट करें। अगर मुझे रिक्रूटमेंट का मेन, देखो फायदा क्या रहता है कि आप अगर एक बार न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, किसी भी सोर्स से आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो उस जॉब पोजीशन के लिए जो भी अच्छे कैंडिडेट्स होंगे वो आपको सारे के सारे एक जगह पर मिल जाएंगे, फिर उनमें से आप बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी से हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बन जाता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट मतलब मैंने 80 जॉब पोजीशंस के लिए बता दिए लोगों को, अब 80 जॉब पोजीशंस के लिए 800 लोगों का रिक्रूटमेंट आ गया, मतलब 800 लोगों ने अपने रेज्यूमे भेज दिए, मेरा हो गया रिक्रूटमेंट। लेकिन क्या मैं उन 800 को सिलेक्ट करूंगी? नहीं, मुझे तो जरूरत 80 लोगों की है, तो मैं 800 में से 80 लोग सिलेक्ट करती हूँ, जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है, वाई? बिकॉज यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ पीपल रिजेक्ट ज्यादा करते हैं, सिलेक्ट कम करते हैं। 800 में से हम सिर्फ 80 लोग सिलेक्ट करने वाले हैं, बाकी के जितने भी हमारे 720 लोग हैं वो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पीपल रिजेक्टेड आर ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पीपल सिलेक्टेड, दैट इज व्हाई सिलेक्शन इज नोन एज नेगेटिव प्रोसेस। दूसरा, अब जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्शन, अच्छा सिलेक्शन कैसे होता है, आपका रिटन एग्जाम होगा, आपका इंटरव्यू होगा, फिर बैकग्राउंड चेक होता है, तो ये सारी चीज़ें आपका होता है सिलेक्शन के में ही। उसके बाद सिलेक्ट जो बंदा हो जाता है उसको हम लोग जॉब ऑफर करते हैं, मतलब वी गिव हिम द लेटर कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर बीइंग सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब पोजीशन, दिस विल बी योर सैलरी एंड वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपको जॉब ऑफर करते हैं, वो जॉब एक्सेप्ट करता है, उसके बाद हम उसका ओरिएंटेशन करवाते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, कोई इंसान नया नया किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको फैमिलियर करवाना पड़ता है कि दिस इज योर वर्क प्लेस, दिस इज योर लाइक प्लेस टू सिट, दीज आर योर सबऑर्डिनेट, दिस इज योर सुपीरियर, ये बॉस का रूम है, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे रहती हैं, ये कैफेटेरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ओरिएंटेशन करवाते हो, मतलब जो न्यू कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन में आता है उसको आप अपने सराउंडिंग्स के साथ फैमिलियर करवाते हो, दैट इज ओरिएंटेशन। देन ट्रेनिंग, कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी एक्सपीरियंस, जो हर जगह का काम करने का तरीका अलग अलग रहता है, हर जगह पर काम करने का तरीका अलग अलग रहता है, तो आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कोई ट्रेनिंग छोटी होती है, कोई ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आप
जब वो काम अच्छे से करना सीख जाता है, वो काम करता है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं उसको प्रमोशन, करियर प्लानिंग उसका, मतलब एक जॉब पोजीशन पर इंसान हर बार सेम पोजीशन पर रहने के लिए नहीं आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको चाहिए ग्रोथ। तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी, तो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड लास्ट वन इज रेम्यूनरेशन, कि उसको हम लोग को पे कितना करना है, पेमेंट्स वगैरह किस हिसाब से रहेगी, इंक्रीमेंट्स कैसे रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करना। तो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉइंग सूटेबल पर्सन। हम लोग इतना बड़ा प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग राइट पर्सन को लेकर हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करो, आप रैंडमली किसी को भी उठाकर जॉब में रख दोगे, पोजीशन पर रख दोगे, तो हो सकता है कि वो एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं निकले। तो इतना प्रोसेस हम लोग क्यों करें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आप एक राइट पर्सन को, सूटेबल पर्सन को सही जॉब पर पुट करें। देन मैन पावर डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग पर भी फोकस करते हैं, तो उससे ह्यूमन बींग्स का या एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट भी होता है, वो और अच्छा सीखता है। आपने कई बार देखा होगा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, आप किसी एक कंपनी में ज्वाइन करते हो, अब वहाँ पर सब कुछ सीखते हो, फिर आप जब दूसरी कंपनी में स्विच करते हो तो आपको वहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिलती है। वाई? बिकॉज आपको वहाँ पर सिखाया गया है आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट ऑलवेज फोकस इज ऑन, मतलब स्टाफिंग ऑलवेज फोकस इज ऑन द मैन पावर डेवलपमेंट। लास्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया मुझे कितने लोगों की ज़रूरत है, तो इससे मेरा ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन नहीं करूँगी मैं। मतलब अगर मुझे 80 लोगों की ज़रूरत है तो मैं 80 ही लेकर आऊँगी, अगर मैं 85 ले आऊँगी, अगर मैं ये पूरा प्रोसेस नहीं परफॉर्म करूँ स्टाफिंग का, तो मैं 80 की जगह 100 लोग लेकर आ जाऊँगी और उन 20 लोगों की सैलरी मुझे मेरे जेब से एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, वेस्टेज ऑफ मनी। तो ये सारे वेस्टेज नहीं होते हैं अगर आप स्टाफिंग का प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो दिस वॉज अबाउट इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग the video.